नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइज स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट एजुटेक प्लेटफॉर्म पे डाटा जन अकेडमी और गाइज मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह मैं पढ़ाता हूं लाइव अन अकेडमी पे सो इट्स अ बिग बिग अनाउंसमेंट फॉर यू बिग बिग अनाउंसमेंट है दोस्तों आपके लिए क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डेली क्वेज जी हाँ डेली क्वेज गाइज इफ यू आर एमिंग योर प्रम्स दो तो जरूर आपके लिए ये इनिशिएटिव आई कैन गारंटी आई कैन राइट इट ऑन द स्टैम्प पेपर राइट नाउ अगर आप ये इनिशिएटिव रेगुलरली फॉलो करोगे क्योंकि बच्चों ये एक रेगुलर इनिशिएटिव होने वाला है मंडे टू फ्राइडे एक रेगुलरली मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब पे इसी जगह पे इसी प्लेटफॉर्म पे टाइम डेट और स्ट्रक्चर क्या है वो अभी इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा ओके गाइस बी रेडी गेट सेट फॉर्म्स आर कमिंग दस तारीख को फॉर्म्स आ रहे हैं नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके बाद बहुत ही कम समय रह गया है एग्जाम में तो आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन गाइज बिकॉज आई एम गिविंग वेरी आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्डवर्क टू ब्रिंग दिस इनिशिएटिव फॉर यू आपको पता है पांच बार एटलीस्ट प्रम्स मैंने निकाला है तो वहां आप मुझ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हैं सो आई नो वॉट इज द अप्रोच फॉर द प्रस क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह के क्वेश्चन आपको कराने हैं तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है बच्चों। कंसिस्टेंट सी इज द की टू दिस एग्जामिनेशन ओके एक लगातार आपको एक रेगुलर वे में पढ़ना है जो भी पढ़ना है ऐसा नहीं टिट्स एंड बिट्स में यहां से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया तो एक रेगुलर इनिशिएटिव होने वाला है और आज इसकी लॉन्चिंग आज क्लास नहीं है चिंता मत करो आज कुछ नहीं पढ़ाने वाला लॉन्चिंग कब है इसकी यू कैन सी एयर टेंथ फेब्रवरी दो हजार इक्कीस वेन योर फॉर्म्स विल बी आउट द क्लास विल ऑल्सो स्टार्ट ऑन द इलेवन ए एम दस फरवरी 2021 से अपन इस इनिशिएटिव को चालू कर रहे हैं और ये स्पेसिफिकली फोकस करेगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर ओके वेन्यू विल बी द दी यूपीएससी चैनल यूट्यूब पे ही होने वाला है ये दस ग्यारह बजे हुआ करेगा दस तारीख से हम इसे चालू कर रहे हैं वेनसडे है अच्छा दिन है फॉर्म्स भी आ रहे हैं सो आई थॉट इट्स गुड डे टू स्टार्ट द इनिशियटिव गाइज बहुत सोच के मैंने आपके लिए एक महीने से मैं सोच रहा हूं कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा लाया जाए जो यार वाकई में उनका जो एग्जामिनेशन जो क्लियर करने का चांस है उसको बढ़ाए ठीक है द पॉइंट इज टू क्लियर द एग्जाम ओके नॉट डूइंग टेन क्लासेज नॉट फॉलोइंग हंड्रेड एजुकेटर्स फॉलोइंग एंड डूइंग दो क्लासेस विच एक्चुअली गोन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन ओके मेरे साथ गई पूरी टीम है एक और एजुकेटर है मेरे साथ में जो इसमें हिंदी का काम संभालेंगे क्वेश्चन मैं चूज करूंगा हिंदी की बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है मुझसे कि सर मैं हिंदी में कंटेंट नहीं देता तो बच्चों ये शिकायत भी आपकी खत्म होने वाली है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको इसके क्वेश्चन हैं वो दिए जाएंगे कराए जाएंगे ओके सो मंडे टू वेनस मंडे टू फ्राइडे सॉरी वेनसडे गलत आ गया मंडे टू फ्राइडे ये इनिशिएटिव चलेगा पांच दिन चलेगा आपके हफ्ते में ओके रेगुलरिटी रहेगी बच्चों मेरी तरफ से पूरी और आपकी तरफ से भी पूरी रेगुलरिटी चाहिए मुझे तो क्या है गाइस इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कैसे हम करने वाले दिस इज द स्ट्रक्चर यू कैन हैव अ लुक ओके दिस इज द स्ट्रक्चर शो आठ क्वेश्चंस इसमें आठ क्वेश्चंस बच्चों आठ क्वेश्चंस कम मत समझना क्योंकि डेली अगर आप आठ क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि हफ्ते में आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो महीने में कितने कर रहे हो और तीन महीने में कितने क्वेश्चंस कर लोगे और ये आठ क्वेश्चंस बच्चों सिर्फ क्वेश्चन नहीं है ये वो क्वेश्चन है जो एब्सोल्यूटली आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं आठ क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे दोनों तो हिंदी और इंग्लिश के दोनों बच्चे आ सकते हैं दो क्वेश्चन फर्स्ट के जो टू क्वेश्चन होंगे वो उस दिन के करंट अफेयर्स से होंगे पेपर से होंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ओके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से वो जो पेपर हैं आपके उनसे दो सवाल अपने होंगे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी एक दो क्वेश्चंस में डलवाऊंगा उसके अंदर ओके एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी जहां पे बच्चे अक्सर कुछ चीजें भूल जाते हैं या दे डोंट रिमेंबर द ट्रिक पॉइंट ओके कि मनी बिल है तो जैसे कि भाई प्रेसिडेंट के एक्सेंट उसके लिए जरूरी है

है ओके okay, सो so 20 से 25 मिनट चलेगी लेकिन रेगुलर होगी गाइस बूंद बूंद करके घड़ा भरता है तो इस बात को ध्यान रखिए और मेरा साथ दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो वॉट Why it's a must attend? क्यों आपको ये क्लास रेगुलरली करनी है आप करंट अफेयर की क्लास करते हो रेगुलरली बहुत अच्छी बात है एडिटोरियल की करते हो बहुत अच्छी बात है मगर गाइज जब क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं जब सवाल अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है ओके तो अ मस्ट अटेंड क्लास गाइस बिकॉज क्वेश्चन आर हैंड पिक्ड और फ्रेम्ड बाय मी हैंडपिक्ड क्वेश्चन होंगे छठे हुए क्वेश्चन होंगे मैं फ्रेम करूंगा करंट अफेयर्स के तो खुद डेली बेसिस पे और बाकी हैंड पिक्ड आपके बेस्ट जो भी टेस्ट सीरीज है इंडिया की उनमें से हाथ से चुने हुए क्वेश्चन होंगे इसमें एक और सर है मेरे साथ धीरज सर जो इसका हिंदी कन्वर्जन करेंगे क्योंकि बच्चों आपको पता है हिंदी में मैं थोड़ा यू you नो know, ट इज द थिंग तो मैं कोई ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता आपसे धीरज सर लेकिन हिंदी में एकदम मास्टर है वो उनको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और उस तरह से आपके सामने हम क्वेश्चन लेके आएंगे ओकेस्टेंसी इज द की टू क्लियर दिस एग्जाम ये आपको बहुत टॉपर्स ने सुना होगा एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो बच्चों मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूं जब मंडे से फ्राइडे तक तो आप भी कंसिस्टेंट रह सकते हो मुझे दो घंटे लगेंगे इस क्लास को प्रिपेयर करने के लिए आपको 20 मिनट लगेंगे यानी आपके दो घंटे का काम 20 मिनट में हो रहा है तो बच्चों अगर आप नहीं आ रहे हो फिर भी तो इट इज योर ओके करंट अफेयर्स डिटेल में कवर करा जाएगा उस दिन का जैसे 11 बजे क्लास हुआ करेगी तो सुबह ही बैठ के जल्दी उठ के मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी एडिटोरियल या आर्टिकल मुझे लगते हैं के से सवाल बन सकता है उस पे से ही सवाल आपको दिया जाएगा सेम वेरी डे जैसे मान लो आज अपनी क्लास है ग्यारह बजे तो आज के जो तो दो क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के वो आज के पेपर से ही होंगे ओके सो आई विल डू दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ओके साथ साथ में एक मैं क्लिप्स भी डालूंगा अगर कोई क्वेश्चन मैंने किसी एडिटोरियल से उठाया है हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के या किसी आर्टिकल से उठाया है तो उसकी क्लिप्स भी होगी साथ में सोल्यूशन के ताकि आपको बेटर तरह से रिलेट कर पाओ आप भी उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ पाओ ओके okay, और साथ में आपको यही पता चलेगा कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसपे क्वेश्चन बनाए तो लाजमी सी बात है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके ऑल द क्वेश्चन गाइज विच विल डू हेयर कैन कम डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन या इनडायरेक्टली किसी स्टेटमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं एवरी we'll in क्वेश्चन करो, इसको हफ्ते के पांचों दिन आप मेरे साथ रहोगे जितने एफर्ट मैं डाल रहा हूँ उससे तो हालांकि आपको वन थर्ड डालना है लेकिन वन थर्ड भी आप डाल दोगे तो दैट विल एनश्योर योर सक्सेस इन द प्रोल्स एग्जामिनेशन ओके डू इनिशियेटिव यू कैन सी दॉइंट यू कैन सी ऑल दू शुड बी इन दीज क्लासेस मुझे क्या चाहिए आपकी तरफ से बच्चों मुझे चाहिए गुरु दक्षिणा ओके गुरु दक्षिणा दिए बिना स्टूडेंट का भला नहीं हो पाए तारीख गवाह है इतिहास गवाह है तो बच्चों गुरु दक्षिणा मुझे आपसे सिर्फ इतनी चाहिए कि सिर्फ आप रेगुलरली क्लास को अटेंड करें क्लास को आगे से आगे पहुंचाएं क्योंकि दिस कैन हेल्प थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट और इट इज अ फ्री इनिशिएटिव तो मैं भी चाहता हूं ज्यादा जाद से ज्यादा बच्चे इसको आएं और रेगुलरली अटेंड करें रिचुअल बना लो बच्चों से एक रिचुअल होता है ना रेगुलरिटी ओके ग्यारह बजे आना है क्लास करनी ही है ये वाली क्वेश्चन आठ करने ही है आपकी तरफ से मुझे चाहिए होंगे लाइक्स ओके कमेंट्स गुड कमेंट्स ओके क्योंकि बैड तो कुछ होने वाला है ही नहीं हालांकि आपको लगे कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है अगर आप कुछ बात बोलना चाहते हो जो चेंज आपको सही नहीं लगती है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ तारीफों के पुल बांध दो लाइक कमेंट और गाइस शेयरिंग और रेगुलर प्रेजेंस ऑफ योर्स इज रिकॉल इज माय गुरु दक्षिणा उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा मेरा गुड ब्लेसिंग्स मेरी प्रेयर्स और मेरी हार्डवर्क आपके साथ है आप खुदा ना खास्ता कभी भी इस एग्जाम में कहीं भी कोई परेशानी में ना आए और पहले ही अटैम्प में आप यू नो बी आई आईपीएस एस आई पी एस आई एफ एस वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी दैट्स माई विशेस एंड माई गुड लक टू यू बट इन रिटर्न वॉट आई वॉन्ट आई हैव टोल्ड यू ओके सो गाइज ऑल हैेंथ फेब्ररी ट्वेंटी ट्वेंटी वन इलेवन ए एम ओके लाइव आना है सबको रेगुलरिटी रहेगी गाइज़ आपको पता है जब से मैं अकेडमी पे आया हूँ तब से मैंने कोई भी अपना प्रॉमिस तोड़ा नहीं है कोई प्रॉमिस तोड़ा है तो आप लिख के बता दो कमेंट सेक्शन में जो भी क्लासेस है मेरी आईआर की ज्योग्राफी की वीकली करंट अफेयर कैप्सूल की सारी क्लासेस चल रही हैं सारी क्लासेस होती है और कभी भी आई डोंट इट इज़ नॉट माई एथिकल ऑल्सो आई डोंट फील इट राइट एंड मैं ऐसा आदमी हूं भी नहीं जो कोई चीज़ को अपने काम में यू you नो know, कोताही बरतूँ या उसे लीनियंटली करूं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि रेगुलरिटी मेरी तरफ से रहेगी डेडिकेशन पूरा मेरी तरफ से रहेगा सिंसेरिटी पूरी तरफ से मेरी तरफ से रहेगी तो आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल्सो शो शो यू नो रिफ्लेक्शन ऑफ इट ओके सी यू ऑल ऑन इलेवेंथ ऑन टेंथ फेबर इलेवन ए एम ओके टाइम और तारीख बच्चों याद कर ले रिमाइंडर डाल ले फोन में मिस नहीं करना है लाइव आपको पार्टिसिपेट भी कर सकते हो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको तो उस सोल्यूशन दिखाने से पहले क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता सकते हो तो इंटरक्टिव क्लास रहेगी बहुत ज्यादा सो बी देर लाइव ओके दिस इज माई स्केड्यूल ऑफ अदर फ्री क्लासेस जो बच्चे नए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं और भी क्लासेज मेरी चल रही हैं ये सारी फ्री क्लासेज हैं इनके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं ये YouTube पे है ये सारी क्लासेस

My code. My code okay. पर फरवरी तक मिलेगा क्योंकि मार्च से पांच परसेंट हो जाएगा ऐसी हमारे पास खबर आई है अकेडमी से ओके सो गाइज अशोर्ट गाइडेंस एंड मेन्टरिंग यू गेट विद माई कोड एंड टेन परसेंट डिस्काउंट ऑल्सो वैल्यू एडिशन मटीरियल ऑल्सो प्लस एक बहुत अच्छी चीज है गाईज आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे प्लस पे आना उसको बेस्ट यूज कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है तैयारी कैसे करनी है क्या करना है क्या नहीं करना ये इस एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाना क्या नहीं करना तो ये सब बातें पर्सनली टेलीफोन पे अपन कनेक्ट रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपका हार्डवर्क की मुझे बहुत जरूरत रहेगी बस और सक्सेस विल बी योर ओके यू कैन यूज माई कोड गाइज दैट इज एस आई डी यूपीएससी गेट द टेन डिस्काउंट मेंटरिंग गाइडेंस एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ माय कोर्स गो फॉर वन ईयर टू ईयर आई विल जेस टू ईयर क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मात्र सत्ताईस सौ रुपये परॉक्स आपको पढ़ते हैं पर मंथ आफ्टर यूजिंग द कोड तो दो ईयर का आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन आपको सब पता ही है बाकी सारी बातें ओके okay? तो गाइज सी यू ऑल दिन ऑन टेंथ फेब्रवरी यानी कि परसों ही है और वेनसडे को है क्लास 11 बजे है आठ बेहतरीन क्वेश्चंस ओके बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ कराए जाएंगे डिस्कस करे जाएंगे बच्चों कोशिश करना कि आप इनको नोट्स भी बनाएं साथ में ठीक है जैसे मेरा एक यूएसपी था जो एग्जाम क्लियर करने का वो यही था मैंने पहले अटैम्प में प्रॉब्लम क्लियर किया था कभी प्रॉब्लम्स में फेल नहीं हुआ मैं तो मैं बहुत सारी क्या है करता था और क्वेश्चन जब मैं करता था जो जो गलतियां मैं करता था या जो चीज़ें मैं सीखता था क्वेश्चन पेपर में सोल्यूशन में उनको मैं एक छोटी सी डायरी थी मेरी ओके okay. थी छोटी पर थी एक्चुअल में मोटी ठीक है साइज में छोटी थी पर मोटी थी उसमें था था, कोई भी बात मैंने नहीं सीखी तो एक पॉइंट में लिख लिया तो के लिए वो मेरे अच्छे नोट्स की तरह काम करते थे तो एग्जाम से दो चार दिन पहले मैं उसको पढ़ता था और रेगुलरली भी महीने में एक बार दो बार पढ़ लिया तो ऐसे में करता था ओके okay. टेलीग्राम चैनल पर गई आप जुड़ सकते हो ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आप टाइप कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और आप जुड़ सकते हो डायरेक्टली मुझसे भी This was all all for you guys okay thank you for being in this announcement okay very very thank you to all of you and i hope i see i want a maximum participation for from all of you guys okay so i see you on the uh, wednesday 11 a.m till then goodbye take care all the best upsc let's crack it Jai Hind.